अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर गैस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी फेमस इक्वेशन एंड द इक्वेशन नेम इज़ वेंडर वॉल इक्वेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है बिहेवियर्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन के रियल गैस किस तरीके से नेविगेट करती है आइडियल गैस से वो हमने पढ़ा था और आइडियल गैस इक्वेशन की इक्वेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो वेंडर वॉल इक्वेशन क्यों बनाई गई? वेंडर वॉल इक्वेशन बेसिकली इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ बनाई ही क्यों गई थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के ऊपर ही जो है वो रिलाय करती थी, उसी के ऊपर ये आइडियल गैसेस ही जो है आइडियल गैस इक्वेशन को यानी कि जनरल गैस इक्वेशन को जो है वो ऑबे करती थी। और आइडियल गैस का हमें पता है कि दुनिया के अंदर कोई वजूद नहीं होता। और ये जो है हमारे पास जो वंडर वॉल इक्वेशन है ये बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन की, ताकि रियल गैसेस भी इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट की जा सके, जो कि हम गैसेस हम डेली बेसिस पे हम लोग जो है जिनका अमल दखल है हमारी लाइफ के अंदर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उनके ऊपर भी ये इक्वेशन जो है वेंडर वॉल इक्वेशन ये अप्लाई होती है। बाकी जो रियल जितनी भी गैसेस हैं वो वेंडर वॉल इक्वेशन जो है उनको जो है वो वेंडर वॉल इक्वेशन उसके ऊपर अप्लाई होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। सबसे पहले कुछ जो है मैंने साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, अ डच साइंटिस्ट J.D. वन डर वाल मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस इन 1873। डच साइंटिस्ट थे यानी कि नेदरलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.D. वन डर वाल। उन्होंने मॉडिफाई की थी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। आइडियल गैस मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आइडियल गैसेस ही जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती थी, जबकि आइडियल गैस का कोई भी जो है कोई भी वजूद दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होता। तो रियल गैस अब कौन से इक्वेशन को फॉलो करेंगी, उसके लिए वेंडर वॉल ने आइडियल गैस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की थी 1873 के अंदर। अब क्या 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 मॉडिफिकेशन की थी? ही पोस्टुलेटेड दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कैन नो लॉन्गर बी नेग्लेक्टेड। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर आइडियल गैसेस के अंदर क्या पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे कि इनका वॉल्यूम जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, इनका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है। जबकि इसने ये क्या कहा था, J.D. वन डर वाल ने क्या कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, माना कि वो बहुत टोटल वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा ही लीस्ट होता है, लेकिन उसको फिर भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ही करेक्टेड वॉल्यूम एंड प्रेशर इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है किस तरीके से लिखी जाती है, तो आइडियल गैस को लिखने का तरीका हमारे पास हमें पता है, आइडियल गैस होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब आइडियल गैस के अंदर इन्होंने क्या किया था, वॉल्यूम को और प्रेशर को दोनों को करेक्ट किया था आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। एंड वंडर वॉल इक्वेशन इज ऑबेड बाय ऑल द रियल गैसेस। और जो वंडर वॉल इक्वेशन है ये सारी की सारी गैसेस को, रियल गैसेस को जो है ये ऑबे करता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम करेक्शन देखेंगे कि वॉल्यूम करेक्शन किस तरीके से हुआ, देन हम प्रेशर करेक्शन के ऊपर भी आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन, व्हेन अ गैस कंप्रेस, जब भी किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है द मॉलिक्यूल आर पुश्ड सो क्लोज। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं बिल्कुल, जब गैस किसी भी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं टुगेदर, एट दैट रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट बिटवीन देम। और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है, रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की जो है फोर्सेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं हमें इस बात के बारे में पता है कि देर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होती है, जो कि आइडियल गैस के अंदर आइडियल गैस की सूरत में नहीं होती। तो ये कहता है कि जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को, उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी। एंड इफ़ प्रेशर इज़ फर्दर इंक्रीज्ड, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा, इट इज़ अपोज्ड बाय द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे देमसेल्फ।
एक्चुअली द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये कहता है कि मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये दो बीकर बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है और इसको हमने, इसके अंदर एक गैस मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम इस गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर दें, कंप्रेस्ड कर दें, इस गैस के मॉलिक्यूल को, इन गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर दें, पिस्टन को हम नीचे घुमाकर नीचे लेके जाएं और हम इन गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस्ड कर दें। अच्छा, बेसिकली ये पूरी की पूरी गैस का वॉल्यूम है, ये पूरी की पूरी वैसल हमारे पास, वी वैसल यानी पूरी वैसल का वॉल्यूम किसके बराबर है, वी गैस। अब जो गैस है उसने पूरे वैसल के वॉल्यूम को घेरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं, जब हम इसको कंप्रेस्ड कर देंगे और कंप्रेस्ड करके हम गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस हैं उसको ख़त्म करके किसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल को बिल्कुल क्लोज लाकर नीचे बिठा दें, तो अब ये देखिए कि हमारे पास जो टोटल कंटेनर था, टोटल वैसल था, उसमें ये सारा जो आ गया, ये हमारे पास इतना ज़्यादा ये खाली हो गया, इसको हम कहते हैं वी फ्री। एंड जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, ये वो वॉल्यूम है, ये वो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, इनको हमने नाम दे दिया बी का। ठीक है, जो खाली जगह थी उसको नाम दे दिया वी फ्री का, या वी ऑब्जर्व भी कह सकते हैं, वी फ्री कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आ गया हमारे पास बी। यहाँ देखिए वी फ्री, वी फ्री क्या है, वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल, इतना वॉल्यूम अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल का जो कि हमने क्या किया है, कंप्रेस किया है। बी क्या है, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, बी क्या है, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, यानी कि जो बी है इस मॉलिक्यूल को और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वैसल का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वी फ्री प्लस बी, यानी अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो पूरा वैसल का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो हमें निकालना है वी फ्री, तो हम क्या करेंगे, ये बी यहाँ प्लस हो रहा है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो वी फ्री किसके बराबर हो जाएगा, वैसल माइनस बी। ठीक है, यहाँ प्लस था उस तरफ जाके हमने अरेंज कर लिया इसको, माइनस बी के खिलाफ के लिए हो गया ये। एंड फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस तो नहीं बताया, अगर हम एन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वी फ्री बराबर होता है, वैसल में अब ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी फ्री बराबर होता है वॉल्यूम माइनस एन बी। ये एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, अब आप जितने नंबर ऑफ मोल्स भी यहां पर रखना चाहें, तो वी फ्री इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। Now, ideal gas equation can be written as, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो करेक्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की जगह अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर P की जगह तो पी अभी हमने करेक्ट करना है, तो V की जगह अब हम क्या लिखेंगे, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम करेक्ट हो गया, और अब हमें ये पता चल गया कि इस डायग्राम से और इस इक्वेशन से हमें ये बात पता चलती है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम उसको कंप्रेस करके बिल्कुल नीचे बिठा दें तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम लाजमी होगा, ऐसा नहीं है कि उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, वॉल्यूम लाजमी कुछ ना कुछ होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, पूरे वैसल के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने बिल्कुल पार्टिकल को नीचे अगर बिठाया तो ये वो मॉलिक्यूल था जो और कंप्रेस नहीं हो सकता था, यानी ये भी कोई जगह घेर रहा है, इसको हमने बी का नाम दिया, और इस तरीके से हमने पूरी की पूरी इक्वेशन ड्राइव कर ली, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को हमने ड्राइव करके क्या बना दिया, पी वी की जगह वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर एंड टी। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेशर की तरफ, प्रेशर करेक्शन। तो अब यहाँ देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो आइडियल गैस की सूरत में हमारे पास जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद नहीं होती। ठीक है,
तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगी तो गैस के मॉलिक्यूल जब भी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाकर टकराएंगे तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। लेकिन हमें पता है कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पी आइडियल यानी कि ऐसी गैस जो आइडियल गैस है। अब जब वो गैस के जो सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जब जाकर टकराएगी तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा 10 ATM, ठीक है। लेकिन अब जो रियल गैस होती है, रियल गैस हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होती है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है कि ये हमारे पास एक बीच में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है गैस का, तो इसके ऊपर देखें कि यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है और ये भी इक्वली फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। ये मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये खुद का मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। तो जब ये आपस में जब वॉल के साथ जाकर टकराने लगेगा तो होगा ना कि ये सारे मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो तब ये जाकर जब टकराएगा तो वॉल जो प्रेशर है वो हमारे पास कम जनरेट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी रियल का जो हमारे पास प्रेशर आएगा वो कम आएगा, मान लेते हैं हम 8 ATM आएगा। क्या आएगा? 8 ATM आ जाएगा, ठीक है। तो अब पी लेस, अब आइडियल गैस में से जब हम रियल गैस का प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी लेस आ जाएगा, यानी कितना लेस हुआ प्रेशर, 2 ATM। इसी को हम यहां पर जो है वो मैथमेटिकली करने वाले हैं। यहां देखिए पी रियल यानी कि रियल गैस किसके बराबर होती है, पी आइडियल माइनस लेस, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन का जो आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा उसमें से पी लेस अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास पी रियल आ जाएगा। यही कर किया था ना मैंने पास, अगर हमारे पास आइडियल गैस का प्रेशर हमारे पास 10 ATM है और अगर हम उसमें से पी लेस मालूम माइनस कर दें यानी 2 माइनस कर दें तो हमारे पास पी रियल यानी रियल गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो यही मैंने ऊपर आपके सामने लिखा है। अब ये जो पी लेस है यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनकर हमारे पास आएगी कि पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल यानी पी आर प्लस पी लेस, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये पी लेस कितना होगा, पी लेस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल, यानी कि जितने ज़्यादा ए और बी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, यानी कि जितने यहाँ पर मॉलिक्यूल, यहाँ तो मैंने 3 मॉलिक्यूल ही बनाए हैं, जितने यहाँ पर ए और बी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, अदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा पी लेस होगा। यानी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को खींचेंगे जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाकर टकराने वाला है तो वो उतना कम जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा, यानी पी लेस की वैल्यू ज्यादा आएगी। सो पी लेस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल। पी लेस, अब हम इसको मैथमेटिकली कर लेते हैं, पी लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ब्रैकेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो और कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, किसके बराबर होती है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है ना मोल पर डीएम क्यूब, आपने सुना होगा हमेशा, कभी ना कभी जब हम जो है मैट्रिक क्लास में आपने केसी के न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो उसमें आपने वॉल्यूम का जो है कंसंट्रेशन का लाजमी सुना होगा कि मोल पर डीएम क्यूब उसका जो है वो उसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर पी लेस किसके बराबर हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के लिए मोल आ जाएगा और एन आ जाएगा मोल के लिए, और वॉल्यूम के लिए डीएम क्यूब के लिए वॉल्यूम आ जाएगा, ए के लिए भी ये आ जाएगा और बी के लिए भी ये आ जाएगा, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें पता है कि पावरें प्लस हो जाती हैं। तो पी लेस हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा,
और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं कि हमें ये पसंद नहीं है, तो पी लेस हमारे पास इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर एंड वी अपॉन वी स्क्वायर। हेयर ए इज अ वंडरवॉल कांस्टेंट, हमारे पास ए क्या है, एक वंडरवॉल कांस्टेंट है, और यहाँ पर पी लेस की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब ये जो पी लेस की वैल्यू है हमने इसको नाउ पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर वन, इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर इस वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट कर देना है। तो हमारे पास P आइडियल किसके बराबर आ जाएगा, P लिखेंगे, और P लेस किसके बराबर है, A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। सो तो ये इक्वेशन हमारे पास हमने करेक्ट कर ली। सो द करेक्टेड प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नाउ पुट इन आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट। अब अगर हम करेक्टेड प्रेशर और करेक्टेड वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जोड़ कर पुट करें तो हमारे पास P की जगह, P आइडियल की जगह यानी क्या आ सकता है, क्योंकि P V is equals to nRT, हमारे पास उसमें P क्या था, P आइडियल ही था, तो उसको हमने करेक्ट कर दिया किससे, P plus A n square upon V square, ये P की करेक्शन यानी प्रेशर की करेक्शन हो गई और वॉल्यूम की करेक्शन हमारे पास आ गई। V minus nB is equal to nRT, यानी प्रेशर भी हमने करेक्ट कर लिया और वॉल्यूम भी हमने करेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी जिसको हम वंडरवॉल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वन हो जाए, क्या हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इज इक्वल टू वन हो जाए, देन द इक्वेशन विल बी रिटन एज, हमारे पास यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी लें तो 1 ही रहता है, तो p प्लस a अपॉन v स्क्वायर और v माइनस ये 1 की जगह 1 लिख दें, कुछ भी लिखें, तो यहाँ हमारे पास v माइनस b हो जाएगा इज इक्वल टू एन आर टी। इस तरीके से भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो वंडरवॉल की इक्वेशन है वो ड्राइव हो चुकी है। आई होप के वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे और वंडरवॉल इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर उसको भी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।